देखिए न्यूज प्राइम 24 की खास बुलेटिन। पटना में लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने में जुटी पुलिस। विक्रम में लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले को पुलिस ने करवाया उठक बैठक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, स्पेशल ट्रेन चलाने से सभी राज्यों के प्रवासी मजदूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को मिलेगी राहत। बिहार में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही तादाद, अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 466। बिहटा में मजदूर दिवस पर टीम अभिमन्यु ने सौर्य तिवारी के नेतृत्व में मजदूरों को बिहारी गमछा देकर किया सम्मानित। बिहटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दर्जनों शराब भट्टियों को किया नष्ट, शराब बनाने वाले उपकरणों को किया आग के हवाले। पटना सिटी में बिहार सरकार के ढुलमुल रवैये पर जुआ राष्ट्रीय जनता दल ने किया भूख हड़ताल, मजदूरों में किया राहत सामग्री का वितरण। बक्सर के नया भोजपुर से फिर मिले 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिसमें 5 महिला और 6 पुरुष है शामिल। लॉकडाउन में बिहार से बाहर फंसे छात्रों की वापसी का रास्ता हुआ साफ, नीतीश सरकार बना रही विशेष पास। लॉकडाउन में फंसे राजस्थान से बिहारी कामगारों को लेकर देर रात चली जयपुर दानापुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन, आज दोपहर बाद पहुंचेगी दानापुर। नवादा जिले के गोविंदपुर मुखिया फिरोजा खातून ने रोजा को लेकर किया फलों का वितरण। नवादा डीएम यशपाल मीना ने प्रवासियों के लिए जारी किया आवश्यक दिशा निर्देश, बाहर से आए सभी को करना पड़ेगा प्रशासनिक दिशा निर्देश का पालन।